आज की हमारी पेशकश मौत की सेल्फी देखिए अब आप लोग। भारत वर्ष में हर साल बारिश और बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों की जान जाती है। ये आप जलप्रपात देख रहे हैं, बेगमगंज से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे लोग बाग प्रकृति का आनंद लेने नहीं आते बल्कि मौत की सेल्फी खींचने के लिए आते हैं। हम दिखाते हैं कैसे खींचते हैं लोग बाग और कैसे खेलते हैं मौत का खेल। हम आपको बताने जा रहे हैं मौत से खेलना क्या होता है और मौत की सेल्फी कैसे ली जाती है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ राहतगढ़ क्षेत्र में स्थित रहस्यमय सुंदर और अनूठा जलप्रपात जो कि करीब 500 फीट ऊपर से गिरता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। बहुत ही सुंदर है ये पिकनिक स्पॉट, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जबकि इसका दूसरा पहलू यह है कि जलप्रपात ने सैकड़ों लोगों की जानें भी ली हैं। हर वर्ष यहाँ पर एक दो लोगों की जानें जाती हैं। इन जानों के जाने के बाद भी जलप्रपात का कोई दोष नहीं है बल्कि अपनी मर्यादाओं को भूलकर प्रकृति से खिलवाड़ करने वाले इंसानों का ज्यादा दोष है। सेल्फी लेने के चक्कर में लगातार मौतें होने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, इसके बावजूद भी इंसान कुछ नहीं सीख रहा है। एक बार जीजा साली चले गए और कई छात्रों ने भी सेल्फी लेते समय चली गई जाने। शिक्षित तो हैं पर समझदार भी बने, अपनी जान जोखिम में ना डालें और ना ही किसी को डालने दें। अपना नहीं तो अपने परिवार का तो सोचें कि आपके जाने के बाद उनका क्या होगा। अरे आप अपनी जान गंवानी पड़े ऐसी भी क्या सेल्फी, और प्रशासन भी आंख बंद करे हुए है। प्रशासन भी सोचता है कि हमने तारों की बाड़गा लगा दी है, परंतु सिर्फ लापरवाही की वजह से हम प्रशासन को दोष नहीं दे सकते। प्रशासन 24 घंटे वहां नहीं बैठ सकता है, पर 24 घंटे आपका दिमाग तो काम करता है। हम क्या करें क्या ना करें, अच्छे बुरे का ज्ञान हमें होना चाहिए। एक बार ऐसी जगह जाने से पहले आप यह जरूर सोचें कि आपके घर पर आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन बेटी इंतजार कर रहे हैं। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसी के साथ इजाजत ले। आगर मालवा से हमारे संवाददाता नजीर अहमद की रिपोर्ट। कांग्रेस की गुटबाजी सड़क पर, कांग्रेसियों ने फूंका एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष का पुतला। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामान्य एकता यात्रा समन्वय नहीं बना पाई, परंतु आपस में नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। यात्रा समाप्त होते ही कांग्रेस के नेता फरमान लाला ने पत्रकार वार्ता कर सिंह पर गुटबाजी का आरोप लगा दिया है। दूसरे ही दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समर्थकों ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े को बस स्टैंड के लिए पर पुतला जला दिया। इन वानखेड़ों ने पुतला दिग्विजय सिंह की एकात्म यात्रा को पोस्टर लगाए थे जिसमें कमलनाथ का फोटो नहीं लगा था, जिससे कमलनाथ खेमा नाराज हो गया था। अगर विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं विपिन वानखेड़े का पुतला जलाकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इन दो घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया कि आगर में कांग्रेस की गुटबाजी अब सड़कों पर आ गई है। क्या ऐसे ही कांग्रेस अपना उम्मीदवार आगर से जिता पाएगी? आगर मालवा से हमारे संवाददाता अहमद नजीर की विशेष रिपोर्ट। उस समन्वय यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी का फोटो नहीं लगा था। मध्य प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े द्वारा जो गुटबाजी आगर जिले की इस विधानसभा में की जा रही है, इसके विरोध में हम लोगों ने ये पुतला जलाया। तराना से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। एक रात में 3 स्थानों पर हुई चोरी, चोर सीसीटीवी में कैद। नगर में 3 प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोरों पर चोरों ने 7-7 मिनट में शटर के ताले तोड़कर 50,000 से अधिक की राशि ले उड़े। तराना के हॉस्पिटल रोड के सामने स्थित सैयद मेडिकल पर रात्रि 2:40 पर मोहब्बत स्कार्फ लपेटे आए और चोरों ने ताला तोड़ा, 7-8 मिनट में लगातार तोड़ दिए और पैसे निकाले। और 3 बजे बस स्टैंड स्थित जैन मेडिकल स्टोर पर उसी चोर ने चोरी को अंजाम दिया। 3:45 पर बस स्टैंड स्थित नगर पर नगर का प्रतिष्ठित मेडिकल स्टोर अमर मेडिकल का शटर का ताला तोड़ा और 7 मिनट में राशि ले उड़े चोर। चोरों की वारदात कैमरे में कैद हो गई, चोरी हो रही है, 5वीं वारदात है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है। फुटेज के आधार पर चोरों को तलाश जारी है। तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।